गुड़ की चाय बनाते समय कुछ लोगों के मन में डर रहता है कि कहीं चाय फट ना जाए, लेकिन अगर आप मेरे इस तरीके से चाय बनाते हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो गुड़ की चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा ग्लास पानी, उसके बाद इसमें डाला है आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कूट के। यहाँ देखिए मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने छुरी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने हिसाब से गुड़ ले सकते हैं, जितनी आप चाय बना रहे हैं उसी के हिसाब से आप गुड़ डाल दीजिए। इसके बाद डाली है मैंने 2 सफ़ेद इलायची कूट के, 1 चम्मच पत्ती। इन सब चीज़ों को डालने के बाद चाय में एक अच्छे से उबाल लगा लेंगे। जब चाय में एक उबाल आ जाए तब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाएं तो गैस कर देना है बंद और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देना है। और ध्यान रहे कि आपको दूध इसमें एकदम उबला हुआ डालना है, एकदम गर्म उबाला हुआ। तो यहाँ देखिए मैंने आधा ग्लास पानी लिया था और उसमें 1 ग्लास डाला है दूध। अब देखिए यहाँ हमारी गुड़ की चाय बिना फटे बिल्कुल बनके तैयार है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।